हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है ही हीरा मंडी द दा डायमंड बाजार ये एक वेब सीरीज़ है तो इस वेब सीरीज़ को किस तरह से कैसे क्या आप आने वाले समय में ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ इसके अलावा इसके टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए उसके ऊपर एक रिव्यू दिया जाएगा एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जाएगा साथ ही में इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करेंगे आर्ट डायरेक्शन के ऊपर भी एक डिटेलिंग देने वाले साथ ही में फिल्म से जुड़े हुए वेब सीरीज से जुड़े हुए जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो शेयर की जाएगी वहीं पर फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ अमितक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डिरेक्ट किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पर इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसकी फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मीन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबाद शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉरी जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अमिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया।, रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने पंच साल की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान बान इस गाने को संजय लीला ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोना सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सिंह बहन बहने दो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पर मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकूम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी रो मस्तानी पदमाव जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आठ पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डिरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड को सीन वाइज काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला वंशाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्म में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पूरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमा है ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल दरमोन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसकी फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखते हुए इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारमिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादा ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिराम मंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर है जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में, में रीशूट भी किया था वहीं पे बली बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्षारा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मिताक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डिरेक्टर के तौर पर संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे विभूपरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने पंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल इस गाने को संजय लीला फंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर्म, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीज़र ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पर मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्यन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोनाक्षी सी सिन्हा सिसनादित्य है, राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकूम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव और मस्तानी पदमावत जैसी फिल्में वो बना चुकी है तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आठ पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड उसको और वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन कि सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्म में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ अमिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पर इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया है संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसकी फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखते हुए इनमें देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसंसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गनात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले हैं अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थाट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थाट प्रोसेस सी इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पर बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्षारा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ इससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे विभूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने पंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला फंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर्म, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए हैं टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आठ डायरेक्शन

बाजी मस्तानी पदमाव जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डिरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड को और वो सीन काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन फोर्टीज में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यवरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला वंशाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन कि सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज का टीजर है वो फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ओन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्म में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल दरमोन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा साहब शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गनात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले हैं अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में, में रीशूट भी किया था वहीं पर बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अमिताक्षारा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मिताक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डिरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था दो में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने भंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोना सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्टा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नजर आता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम बैक करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकुम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव और मस्तानी पदमाव जैसी फिल्में वो बना चुकी है तो संजय लीला फंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डिरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज़ काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडी का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक पड़ा के कर ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन कि उन चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेल मेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नजर आएगी आपको तो टीजर ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये इस सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हेदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज़ को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिकाजान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखते हुए इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयंसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिराम मंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फोर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बली बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अमिताक्षरा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पर संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था दो में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने भंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म 1960 में आई थी पाकिस्तान 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नजर आता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम बेक करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकूम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फ़िल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आठ पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते हैं तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक बड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यवरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ओन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेड से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पूरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल दरमोन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रेन लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहा शाहबादूसान ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मितक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पर बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंजसाल लिखी इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आजम 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर आ, एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज़ किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकेंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने दो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर्म, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आठ डायरेक्शन

तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था हीरा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीजर ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये इस सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इस का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रेन लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुए इनमें देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारमिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा साहब तहासा बादशाह नेतादार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अमिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मितक्ष कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पर बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंच की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगले आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजा नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल बान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज़ किया हुआ है लिरिक्स वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज़ किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन

तो संजय लीला फंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर उस सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक पड़ा कर क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेल मेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज़ किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमा है ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल दरमोन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में, में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को, को, को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबाद शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्यन्त सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थाट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट ये जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक्षरा कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पर बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंसा लिखी की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगले आजम नाइन्टीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सिंह बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फ़िल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीज़र ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पर मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आठ डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम बैक करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी रो मस्तानी पदमाव जैसी फिल्म वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बड़ा कर क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन क उन चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी एक कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये इस सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज़ किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या शर्मा ने वहीं पर इस फिल्म के कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इस का बैग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया है संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में, में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिकाजान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मीन सेगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबाद शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया।, रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंच की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान बान इस गाने को संजय लीला ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोना सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सिंह बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पर मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्यन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकूम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी रो मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म वो बना चुके हैं तो संजय लीला फंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आठ पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डिरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड उसको और वो सीन वाइज काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन कि सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्म में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ अमिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है क्रेंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुए इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है शारमिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहा शाहबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसन शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फॉर है जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में, में रीशूट भी किया था वहीं पर बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्षारा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ इससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डिरेक्टर के तौर पर संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था दो में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने दो तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिश्टा सर्म, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकुमा जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी राव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डिरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा कर ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन उन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सोनाक्षी सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाले और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अलम अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरा मंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट ये जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मितक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मित्क कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पर बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने भंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजा नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल बान इस गाने को संजय लीला ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सी बहन बहने दो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला ने कंपोज़ किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नजर आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनक सीसीना आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेक जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी रो मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फ़िल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर उस सीन वाइज़ काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफ़िनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली मिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चटर्जी महेश लिमा है ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल धरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखते हुए इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को, को, को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान अब कवाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्यन्न सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर ये जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक् कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने भंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आजम नाइनटीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल बान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला फंसाली ने कंपोज़ किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रेक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकुम जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफिनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते हैं तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था हीरा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेल मेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये इस सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फ़िल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट्स डिज़ाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ अमितक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डायरेक्ट किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्ष कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इस का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रेन लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सीगल ने इसमें अल अलमज़ेब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादू शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे ध्यान सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसंसाह इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गनात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के तो बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फोर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बली बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अताक्षरा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले सीरीज मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डिरेक्टर के तौर पर संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे विभूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था दो में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंचाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगले आज़म 1960 में आई थी पाकिस्तान 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर्म, चटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और वलदर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकूम ज़रूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव मस्तानी पदमा और जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीजर ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी एक कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फ़िल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इस का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमा है ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मीन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबाद शाह ताजदार ताददार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गनात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे बंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फोरी है जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में, में रीशूट भी किया था वहीं पर बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अमिताक्षारा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे विभूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने पंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगले आज़म 1960 में आई थी पाकिस्तान 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर्म, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए टीजर ट्रेलर भी रिलीज हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आठ डायरेक्शन के

बाजीराव मस्तानी पदमा और जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड उसको और वो सीन वाइज काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक पढ़ा कर क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यवरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाले और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसकी फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मीन सीगल ने इसमें अल अलमज़ेब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा ताहसा शाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसंसाह इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गनात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर है जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बली बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अताक्षरा कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज़ से पहले मितक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे विभूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने पंचाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पे ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगले आज़म 1960 में आई थी पाकिस्तान 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है इस गाने को संजय लीला फंसाली ने कंपोज किया हुआ लिरिक्स वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सिंह बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्टा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीज़र ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पर मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम बैक करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव मस्तानी पदमाव जैसी फिल्में वो बना चुकी हैं तो संजय लीला फंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड उसको और वो सीन वाइज काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था हीरा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नजर आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिज़ाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ अता सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पर इस फिल्म के लिए कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी ऋचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिना सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इस का बैग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल दरमोन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है एक ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अलमज़ेब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म के मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरा मंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थाट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस सी इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो उसके बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे भंसाली ने जो फर्स्ट फॉर है जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मित्क कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मित्क कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंच की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल बान इस गाने को संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स है वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोना सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सि बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला पंसाली ने कंपोज किया था और शर्मिष्टा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाजा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी अव्वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आठ डायरेक्शन

तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफिनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए गए जो बैकग्राउंड उसको और वो सीन वाइज़ काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा कर ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन कि सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज़ करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये इस सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्म में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ अमिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है रिचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सारविन सीगल ने इसमें अल अलम अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादा ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान आपको वाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेस मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरा मंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल दो को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन चौदह साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट ये जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई महीने में, में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इसके पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको अताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पर बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सेरेंडर्स ने भंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजाद नाइनटीन में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान बान इस गाने को संजय लीला ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पांस मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीज़र ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन

बाजीराव मस्तानी पदमा और जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला भंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज़ काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट एक कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह, रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा मंडीनाथ का तो वो लाहौर में थे, था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलू को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज़ एक पड़ा कर ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यवरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइफ होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूजिक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीजर है वो फरवरी दो को रिलीज किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में ये सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई दो हज़ार चौबीस को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज़ किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई 2024 से नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्ष सरा कुमार ने इस फिल्म को को डिर किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली अमिताक्षरा कुमार पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्या निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और शर्मिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने अर्जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुए इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सीगल ने इसमें अल अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहा साहब तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान अब कवाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्ययन सुमन ने सरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फ़िकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा शाह इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फ़िल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर ये जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय लीला बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मित्क कुमार ने इस एस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंसाली की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आजम 1960 में आई थी पाकिजाद 1972 में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर आ, एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है सकलबान बान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकंड सॉन्ग जिसमें आ, फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलम सी बहन बहने तो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला ने कंपोज किया था और सर सर्मि, शर्मिष्टा सर्म, को ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए हैं तो इसको आप ऑफिशियली अभी इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज़ को फोकस किया हुआ है सिनेमाटोग्राफी और वल दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नजर आता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे इस फिल्म में अपना कम बैक करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सोनाक्षी सिन्हा आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे बेकुमा जरूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजी रो मस्तानी पदमावत जैसी फिल्म में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फिल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आठ पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफ़िनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफ़ी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट है कहानी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवायब से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी गई कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेल मेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो को रिलीज किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ऑन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीज़र ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये इस सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे हीरा मंडी द डायमंड बाजार ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पीरियड ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको क्रिएट किया हुआ है संजय लीला भंसाली ने वैसे संजय लीला भंसाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके सेट से डिजाइन ले लो या जिस करेंट लेवल पे वो फिल्में बनाते उसके लिए वो जाने जाते इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया हुआ है वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ मिताक्षारा कुमार ने इस फिल्म को को डायरेक्ट किया हुआ है कहानी को लिखा हुआ है संजय लीला भंसाली मिताक्षरा कुमार विभू पुरी स्नेहिल दीक्षित मेहरा मोइंग बेग दिव्य निधि शर्मा ने वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको मनीषा कोयराला सोनाक्षी सिन्हा आदित्य राव हैदरी रिचा चड्डा संजीता शेख और सरमिन सेगल जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो सॉन्ग्स है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा ही कंपोज किए हो गए हैं वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो किया हुआ है बेनीडिक टेलर और नरेंद्र चंद्र वायरकर ने इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सीरीज को मेनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संजय लीला भंसाली और प्रेरणा सिंह जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो सुदीप चैटर्जी महेश लिमाए ह्यूस्टंग मोहपात्रा और रागुल्ल दरमोहन ने की हुई है इस फिल्म को वेब सीरीज़ को एडिट किया हुआ संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है यानी कि ये पहला सीजन है जहाँ पे भंसाली प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे इसके फिल्म को इस सीरीज़ को एक अच्छे खासे बजट में बनाया हुआ है ग्रैंड लेवल के साथ सभी प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है अब कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते फिल्म में मेन कास्ट में मनीषा कोयराला देखने को मिलेंगी जिन्होंने मल्लिका जान का रोल प्ले किया हुआ है सोनाक्षी सिन्हा आपको फरीदान के रोल में देखती हुई इनमें में देखने को मिलेगी अदिति राव हैदरी ने इसमें बिबो जान का रोल प्ले किया हुआ है ऋचा चड्डा को लज्जो का रोल मिला हुआ है संजीदा शेख ने वहीदा का रोल प्ले किया हुआ है सार्मिन सेगल ने इसमें अल अलम अमजैब का रोल प्ले किया हुआ है रिक्योरिंग कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो फरीदा जलाल देखने को मिलते हैं इनके अलावा तहासाबादूशाह ने ताजदार का रोल प्ले किया हुआ है फरदीन खान अब कवाली मोहम्मद के रोल में देखने को मिलेंगे अध्यन्न सुमन ने सोरावर का रोल प्ले किया हुआ है शेखर सुमन आपको जुल्फिकार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अलावा जयसा इंद्रेश मलिक श्रुति शर्मा और वैभवी गन्नात्रा जैसे एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में तो ये फिल्म की मेन लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें रोल प्ले करते हुए नज़र आने वाले अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन के शुरुआत यानी कि हिरामंडी प्रोडक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 को प्रोजेक्ट के पीछे भंसाली ने करीबन 14 साल पहले एक थॉट लाया हुआ था तो करीबन काफ़ी पुराने थॉट प्रोसेस से इस फिल्म को बनाने की एक, एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हो के बाद में जो उसके लिए बजट चाहिए था वो तब अवेलेबल नहीं था इसको आठ पार्ट की सीरीज़ बनाने वाले जहाँ पे बंसाली ने जो फर्स्ट फॉर जो स्ट्रीमिंग है वो जून 2022 में स्टार्ट की हुई थी फिल्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई गई थी जून 2023 में जहाँ पे बंसाली यानी कि संजय बंसाली ने कुछ चीज़ों को मई मैं महीने में रीशूट भी किया था वहीं पे बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था कि बंसाली इस के पायलट एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे वहीं पे बाकी के जो रेगुलर एपिसोड्स है उसको मिताक्ष कुमार डायरेक्ट करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साथ उससे पहले इस वेब सीरीज से पहले मिताक्षरा कुमार ने इस एस एसोसिएटेड डायरेक्टर के तौर पे संजय लीला पंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे बीबूपुरी के द्वारा उनको रिप्लेस किया रिप्लेस किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर काम का स्टार्ट किया गया था 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान नेटफ्लिक्स के सी टेड सेरेंडर्स ने पंच की इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है जहां पर ये सीरीज़ है वो मदर इंडिया जो 1957 में फिल्म आई थी मुगल आज़म नाइनटीन में आई थी पाकिजा नाइनटीन सेवेंटी से में आई थी उन सभी फिल्मों के ऊपर एक प्रॉपर एक कहा जाए तो ट्रिब्यूट है तो इस तरह से एक तरीके की हाइप क्रिएट की हुई थी म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में एक गाना है शक्ल बान इस गाने को संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया हुआ है लिरिक्स से वो आमिर खुसरो ने लिखे हुए जिसको राजा हसन ने गाया था ये सॉन्ग फर्स्ट सिंगल के तौर पे आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला सेकेंड सॉन्ग जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फीचर किया हुआ था फिल्म के गाने का नाम था तिलमसी बहन बहने दो बाहे तो वो सेकंड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था जिसको संजय लीला ने कंपोज किया था और शर्मिष्ठा सर्मि, सर, चैटर्जी ने उसको गाया हुआ था फिलहाल में दो ट्रैक रिलीज़ किए गए तो इसको आप ऑफिशियली अभी एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज़ हुए टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज़ हुए हैं तो उसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है टीजर ट्रेलर से एक अंदाज़ा लग रहा है कि ग्रैंड सेट के साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ इस सीरीज़ को बनाया हुआ है जहाँ पे मेनली फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस फिल्म को फोकस इस सीरीज को फोकस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफी और दर्जे की देखने को मिल रही है एक अलग ही तरह का प्रॉपर एक सेट तैयार किया हुआ है आर्ट डायरेक्शन की तरफ से एक बेहतरीन काम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कुछ एक्टर्स है जैसे कि फरदीन खान अध्ययन सुमन जैसे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कम करते हुए नजर आएंगे आपको इसके अलावा मेन कास्ट में जैसे कि मनीषा कोयराला सोना सिन्हा सी आदित्य राव हैदरी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं ज़रूर वो सभी एक्टर्स को एक अच्छा खासा रोल मिला है देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से संजय लीला पंसाली ने पुल ऑफ किया हुआ है बाजीराव मस्तानी पदमावत जैसी फिल्में वो बना चुके हैं तो संजय लीला भंसाली को पता है कि किस तरह से कैसे ग्रैंड लेवल की फ़िल्में बनाते हैं किस तरह से कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है अब चीज़ें ये है कि वो सिर्फ दो ढाई तीन घंटे की फिल्में थी एक आर्ट पार्ट में आने वाली सीरीज़ है तो डेफिनेटली उनके पास टाइम ज़्यादा था कैरेक्टर डेवलपमेंट इस्टबलिशमेंट के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से वो अपने डायरेक्शन में दिखा सकते तो चांस ज़्यादा है कि संजय लीला फंसाली इन सभी चीज़ों को काफ़ी ग्रैंड लेवल पर दिखा पाए वैसे जो टीज़र ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है जो सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे है काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए गए जो बैकग्राउंड स्कोर वो सीन वाइज काफी अच्छी तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है टीजर ट्रेलर में जो कॉन्सेप्ट कहानी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मोमेंट हुआ था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट नाइनटीन में तो उस समय में उस एरा में इस कहानी को सेट किया हुआ है जहाँ पे हीरा मंडी पूरी तरह से तवय से जो वहाँ पे रह रही थी जो रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट था रा ना का तो वो लाहौर में थे था तो वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी को पूरी तरह से सेट किया हुआ है तब देखने वाली बात यह है कि उन सभी चीज़ों को उन सभी पहलुओं को किस तरह से भंसाली ने हमारे सामने पेश किया हुआ है अगर सभी चीज़ें सही रही तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बड़ा ब्रेकॉर्ड क्रिएट कर सकती है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप हासिल कर सकती है आने वाले समय में इसके अगले जो पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली उसका एक अलग ही हाइप होने वाला है तो एक लैंडमार्क वाली सीरीज़ भी साबित हो सकती है क्योंकि ये टिपिकल संजय लीला बंसाली काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है तो अब वो फिल्म को एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तीन घंटे की फिल्म को वो आठ से सोलह घंटे में दिखा सकते हैं तो देखने वाली बात होगी गई कौन सभी चीज़ों को वो किस तरह से कैसे क्या दिखाए हुए म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार नजर आ रहा है टेक्निकली भी वेलमेड चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही है इस सीरीज़ का टीज़र है वो फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था वहीं पे नेटफ्लिक्स के द्वारा ये रिलीज डेट प्लान की गई थी लेटर ओन इसको लेटर रिलीज करने का फैसला लिया हो गया था वहीं पे उसी महीने में इस फिल्म के एक अनाउंसमेंट करवाई गई थी एक मई 2024 को उसके बाद में अच्छी सीरीज रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी आपको तो टीजर ट्रेलर के बाद ये सभी चीज़ें एक अच्छे हाइप के साथ क्रिएट हो चुके हैं ट्रेलर को भी एक कमेंट में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है अब एक मई 2024 को ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर होती हुई नजर आएगी आपको तब उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में ये सीरीज किस तरह से कैसे दिल जीत पाती है उसका एक ओरिजिनल रिस्पांस तभी पता चलेगा अभी फ़िलहाल में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी सीरीज़ देखने के बाद भी पॉजिटिव साइड ऑफ ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिकॉर्ड्स ब्रेक भी कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया की तरफ से तो फिलहाल में ये सीरीज़ अब एक मई 2024 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी हीरा मंडी नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हीरा मंडी वेब सीरीज़ है वो आपको एक मई दो से नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आसानी से प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से इस सीरीज़ को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गायजा हिरा मंडी वेब सीरीज़ के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए इस सीरीज़ को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है इसके साथ जुड़े हुए अलग अलग इस पे के वो भी मैंने शेयर किए हुए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू